पंचकुला से खबर यह है कि जूनियर महिला कोर्ट से छेड़छाड़ के मामले को लेकर अब जूनियर महिला कोर्ट जो कि पीड़िता है, उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में बहुत सी बातें उनकी ओर से कही गई है। पुलिस की सुरक्षा से परेशान हो गई है पीड़ित जूनियर महिला कोच। डीजीपी पीके अग्रवाल से उन्होंने तत्काल सुरक्षा हटाने की भी मांग उठाई है। महिला कोच ने चंडीगढ़ एसआईटी से भी जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी है या दूसरे कर्मी है उनसे परेशान हो गई है पीड़िता। ऐसे में संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता जूनियर महिला कोच ने साफ कहा है कि उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो परेशान हो गई हैं। इसके पीछे की कुछ वजह भी है, कुछ कारण भी है। दरअसल पुलिस की सुरक्षा से परेशान इसलिए वो हो गई है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बाहर जब जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तब बल्कि कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होता। कई बार होते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोच ने हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल को चिट्ठी लिखकर ये तमाम बातें कही है और तत्काल सुरक्षा हटाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही जूनियर कोच ने भी पूरे मामले की जांच करी, चंडीगढ़ एसआईटी से भी एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, दबाव बना रहे हैं सुरक्षाकर्मी। ये बड़ी बात कही गई है कि जो सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में तैनात है वो दबाव बना रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन सुरक्षाकर्मियों पर, वो प्रेशर नहीं बना सकते। अगर ऐसा किया गया है तो ये भी एक तरह से गंभीर मामला है। हरियाणा के डीजीपी को लिखे लेटर में जूनियर महिला कोच ने सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगाए हैं कि वो अनुचित तरीके से उस पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही जब ऑफिस या दूसरी जगह घर से बाहर वो जाती हैं तो उसके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं जाते, ये भी आरोप लगाए गए हैं। घर में आने वाले नौकरों से भी झगड़ा करने की बात कही गई है। लेटर में कोच ने यह भी लिखा है कि मुझे ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए जो मेरी सुरक्षा ही ना कर पाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त तारा ठाकुर सीधे पंचकुला से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। तारा, क्या वाकई में ये फैक्ट्स के आधार पर कहा गया है, कुछ तथ्य हैं इन आरोपों में? सुरक्षा कर्मियों पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे पीड़ित जूनियर महिला कोच की। जी बिल्कुल कमल, बहुत चर्चित जो मामला है हरियाणा के खेल मंत्री पर यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगे हैं, उसमें जो जूनियर महिला कोच है उसके द्वारा लगातार जहां इंसाफ की जो है गुहार लगाई जा रही है, इस मामले को लेकर एसआईटी के द्वारा जो है जांच किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं पीड़िता द्वारा एक जो है पत्र डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल को जो है भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी सिक्योरिटी है, जो उसकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीक़ों से उन पर दबाव बनाते हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब वह बाहर जाती हैं, अपने जो घर से कहीं बाहर जाना होता तो सुरक्षा कर्मी जो है आनाकानी करते हैं आने जाने से। तो वहीं जो है इस मामले को लेकर एक पत्र डीजीपी हरियाणा पुलिस को लिखा गया है। फिलहाल जो पीड़िता है उन्होंने ये मांग की है कि जो सुरक्षा कर्मी है वो उनकी सुरक्षा करने में नाकाम है और उनको जो है प्रेशराइज करते रहते हैं, तो ये सुरक्षा जो है वापस ले ली जाए, इस सुरक्षा कर्मियों के बिना ही जो है वो सुरक्षित है। इस तरह का एक पत्र जो है डीजीपी हरियाणा को पीड़िता द्वारा लिखा गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर जो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा है, वो क्या एक्शन लेते हैं इस मामले को लेकर। क्योंकि इस लेटर में कहा गया है कि ये भी बात लिखी गई है, इस बात का भी जिक्र है कि जो सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में तैनात हो रहे हैं पीड़िता की, वो उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का दबाव? क्या इस केस को वापस लेने का दबाव या समझौता करने का दबाव? इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं क्या? जी, इस मामले को लेकर अगर जिस तरह से जो सुरक्षा कर्मी जो है पीड़िता को दिए गए हैं और जो पत्र लिखा है डीजीपी हरियाणा को, उसमें साफ लिखा है कि जो पुलिस कर्मी हैं उनसे लगड़ते झगड़ते हैं, गलत तरीके से जो है बातचीत करते हैं और जब साथ चलने की बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं, जिसके चलते जो है ये पत्र जो है डीजीपी को लिखा गया है। और पीड़िता ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर जो है
उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है ये कर्मचारी। और वहीं जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने आज ये भी आरोप लगाया है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो सरकार के हैं और सरकार के ही मंत्री पर जो है आरोप लगे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और लगातार वो अपने जो बेटी है उनके इंसाफ के लिए लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो है उन्हें साथ नहीं दिया जा रहा। तो उन्हें जो है अब आगे जो है न्यायालय का जो है दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तब जाकर जो है उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो कई जो संगीन आरोप जो पीड़िता के पिता ने लगाए हैं और पहले भी इससे पहले भी जो महिला जूनियर कोच है उनके द्वारा ये लिखित में दिया जा चुका है पुलिस को कि जो कर्मचारी हैं पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं और इनको जो है वापस लिया जाए वो इनके बिना ही सुरक्षित है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पुलिसकर्मी हैं उनको सुरक्षा के लिए दिया गया, लेकिन जो पीड़िता का आरोप है कि वो सुरक्षा करने के बजाय उन्हें जो है मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। बहुत गंभीर ये मामला है और आपने जो जानकारी दी है उससे इतना भी पता चलता है कि जूनियर महिला कोच ने अपनी जो परेशानी है वो बयां की एक चिट्ठी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर भी कहा है कि ये चिट्ठी मैं पीके अग्रवाल जो कि हरियाणा के डीजीपी उनको लिखने जा रही हूँ। इस चिट्ठी में बहुत सी बातें लिखी गई जिस पर हमने चर्चा भी की। बहुत बहुत धन्यवाद तारा, आपने जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर। और ये वो चिट्ठी भी है जिसमें कई बातें लिखी गई है जो हम इस समय आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला आप जानते हैं कि छेड़छाड़ का आरोप लगा था हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह पर और खूब राजनीति भी हुई है संदीप सिंह को लेकर भी। जूनियर महिला कोच के गंभीर आरोप थे। इस मामले को लेकर चंडीगढ़ की SIT मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में इस चिट्ठी को लेकर क्या कोई रिएक्शन हरियाणा पुलिस का या हरियाणा के DGP का आता है या नहीं।